प्रकृति का निदान इतना अद्भुत है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण भगवान दे के न भेजे हो, ऐसी कोई झाड़ नहीं पैदा किया है प्रभु ने जिसकी कोई दवाई न बनती हो। पूरी प्रकृति में, हर व्यक्ति में एक न एक सद्गुण होता है। अब उसको पहचानेगा कौन? झाड़ में औषधि है, पहचानेगा कौन? आयुर्वेद झाड़ से दवा बनाता है, होम्योपैथ झाड़ से दवा बनाता है, और एलोपैथ उसके सत्व से रस से नाना विधि प्रयोग करते करते टिकिया कैप्सूल आदि आदि बना देता है। आप ये नहीं कह सकते हैं किसी व्यक्ति में, अरे साहब ये तो गुड़ गोबर है, गोबर है ना, गोबर के भी गणेश जी बनते हैं ना, गौरी गणेश गांव में गोबर के बनते हैं, गुण हुआ ना। बिना गुण का कोई नहीं है साहब। अरे बाबा आप कह रहे हो हमारे एक घर में है उनके पास कोई गुण नहीं है, भोजन करने का गुण है ना, जिसमें कोई गुण नहीं होता है वो भोजन आप चाहे बासी दे दो चाहे तिरासी दे दो कभी झगड़ा, यही गुण है। प्रकृति में परमात्मा ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई है जिसमें कोई गुण न हो, हर व्यक्ति में गुण है। आप देख रहे होंगे हमारे उमेश भैया जरा ऊपर आइए, ये उमेश भैया हमारे साथ 93 से हैं, कब से हैं? और हम तो कम प्रेम करते हैं, इनकी माता जी मेरे घर में इनको बहुत प्रेम करती हैं। एक बार मैं निंदा कर दिया इनकी तो बोले महाराज जी आपके टीम में केवल उमेश बेटा ऐसे हैं जो आपको प्रेम करते हैं, आप चाहे जिसकी बुराई करते हो। तो मैं डर गया, हमने कहा मामला बिगड़ने जाइए। और आपको बताऊं अभी तो ये अर्चक बन करके सारी सेवा कराते हैं। एक समय था कि जब मैं कथा करता था कहीं तो उस शहर की सारी दीवारें उमेश भैया राम कथा सुनिए लिख देते थे, 250 दीवारें लिखते थे उमेश भैया। एक समय था, ये देखने में पतरे लगते हैं, है बड़े काम के, पता नहीं हमारे पास ऐसे ही लोग सब बड़े काम के लोग हैं साहब। हाँ आपको लगता होगा बेमतलब रखे, हम रखे नहीं, वो हमको रखे। हाँ अभी मैं कमरे में कह रहा था, देखिए किसी की करनी, आप मेरे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने गुरु जी से क्या कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय सबर सागर कहु मेरे, मम हित लाग जन्म इन भरतों ते मोहि अधिक। भगवान सब जगह कहते हैं भरत जैसा प्रिय भाई, लेकिन मित्रों को कहते हैं ये भरत जी से भी अधिक हमको प्रिय है मेरे सखा लोग, यही बात। तो आप सब में गुण देखिए, अगुण कोई नहीं है, सब में कोई न गुण भगवान ठूस रखे, छोड़ रखे, डाल रखे, सबका अपना अपना वैशिष्ट है। कौन क्या करेगा? अब दिव्यता की बात आई तो आपको सुनाओ क्या कहें। सरल नहीं है, कठिन है समझने की बात। केवल और केवल श्री हनुमान जी ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई काम नहीं है, क्या खाली हैं तो राम दुआरे तुम रखवारे हो तन अज्ञा बिनु पैसा। एक युग में नहीं चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत, चारों युगों में प्रताप है श्री हनुमान जी महाराज। जामंद बाबा उनके पास गए और प्रशंसा करने लगे, क
कहय रे चपति सुनु हनुमान चुप साधि रहउ पवन तनय बल पवन समान बुद्धि के कवन सुकाज कठिन जो नहीं हो राम काज लगी तव अवतार बल बुद्धि के निधाना। जगत का ऐसा कौन सा कार्य कठिन जो आपके बस का नहीं, कोई एक्शन नहीं आया बाबा के ऊपर, लेकिन जैसे ही जामवंत बाबा ने कहा राम काज लगी तव अवतार सुनते ही भय पर सिंहनाद करी बारही बारा सिंहनाद करी बारही बारा लीलहि नागम जलनि भिखारा लीलहि नागम जलनि भिखारा सहित सहाय राव नहि मारी सहित सहाय राव नहि मारी आनम की हाथ को उपारी आनम की हाथ को उपारी जामवंत मैं पूछऊ तोही जामवंत मैं पूछऊ तोही सिखावन दीजह मोही सिखावन दीजह मोही इतना करहु तात तुम जाई इतना करहु तात तुम जाई सी तही देख कहु सुध आई सी तही देख कहु सुध आई तब निज भुज बले राजीव संग गीतावली जी में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हनुमान जी कहते हैं सिंह मनाद करके कहिए लीला लीला में समुद्र लंघन कर जाऊं तीनों कूट लंका के उखाड़ लाऊं जाफना कोलंबो न्यू वरलिया तीन कूट हैं लंका के तीन कूट जामंत बाबा से हनुमान जी महाराज पूछते हैं तीनों कूट एक साथ उखाड़ लाऊं अर्थात रावण को समाज सहित उठाकर समुद्र में झोंक दूं गरिमा सहित सहाय राम नहीं कहिए क्या करना है। बाबा जामन जी ने कहा पहले तो आप जहां ऊपर हैं सुनाइए नहीं पड़ेगा नीचे आइए नीचे आइए हम बात कहें कान तक तो आपके जाए सब ऐसे। कभी आप चित्रपट देखेंगे चित्रावली में हनुमान जी को लोग ऐसे देख रहे हैं अरे नीचे आओ जी इतना करहु जितना कहे उतना नहीं करना है क्या सीता ही देख कहु सुधी आई। आपका कार्य है माता जी का दर्शन करके लौट आइए कि माँ सुरक्षित है कहाँ है और जो कहा है वो नहीं नहीं वो कुछ नहीं करना ये प्रोटोकॉल है उल्लंघन होगा। अब आप सोचे कि फिर हनुमान जी को जब जामवंत बाबा मना कर गए थे भगवान ने तो कहा बहु प्रकार सीता ही समझाई ही कही बल बिरह बेग तुम आवहु समझाए हो आये हो तो हनुमान जी ने सब क्यों किया। वस्तुतः आप ठीक से सुंदर कांड अवलोकन करिएगा श्री हनुमान जी ने स्वयं तो कुछ किया ही नहीं परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो कुछ हुआ वो सब होता ही चला गया श्री हनुमान जी ने कुछ नहीं किया।
आगे दर्शन करेंगे आप। क्या करूं, सही तही दे के कहो सुधी। तब भगवान भुजाओं के बल से वहां जाएंगे, हम लोग खेल खेल के लिए संग रहेंगे। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि, कपि से न संग जो सुनत गावत कहत समुजत, सुनत गावत कहत समुजत, परम पद न पाई रघुवीर पर पाठो जब मधु कर दास कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतैया। राम जी संहार करके मैया को लाएंगे। हम लोग कौतुक के लिए खेल खेल में रहेंगे। हाँ।